स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल की। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था सिमिलैरिटीज विद अल्कलीज, ठीक है। एंड आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज विद हैलोजन्स की, ठीक है। बच्चों हमें पता है कि जो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कली मेटल से रिजेंबल करती हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ रिजेंबल करती हैं। तो अल्कली मेटल के साथ कैसे रिजेंबल करती है वो हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज़ विद हैलोजन्स। ओके ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन्स क्या होते हैं बच्चों? हैलोजन्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन, ठीक है। हैलोजन्स क्या होते हैं बच्चों? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन एंड इन पीरियोडिक टेबल 17th ग्रुप इज नॉन एज हैलोजन। तो बच्चों 17th ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास हैलोजन्स? इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन लास्ट इज एस्टेटाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे बच्चों हमारे पास हैलोजन्स। और अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, कि कैसे प्रॉपर्टी सेम होती है। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के साथ कैसे रिजेंबल करती है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल लाइक हैलोजन, इट फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों जैसे सारे के सारे हैलोजन्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ H2 मॉलिक्यूल। देखो बच्चों जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है एज अ Cl2। देखो हाइड्रोजन एज अ H2। और बच्चों सारे के सारे जो हैलोजन्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? F2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन लाइक हैलोजन एंड दस इट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब बच्चों हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना सकता है? यूनी नेगेटिव आयन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन, प्लस साइन रिप्रेजेंट द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन विल टेक्स प्लेस। एंड इन अ सिमिलर मैनर क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन वो बना देता है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थी? सेकेंड प्रॉपर्टी थी जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1312 किलो जूल पर मोल विच इज़ नियरर टू हैलोजन। अगर बच्चों हम बात करते हैं इसके डाटा को हम कंपेयर करते हैं तो बच्चों हाइड्रोजन और हैलोजन्स के जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। बच्चों इस डाटा को हमें लर्न नहीं करना है, सिर्फ हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके नियरर है बच्चों? हैलोजन्स के नियरर है। तो देखो बच्चों हम देख सकते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज 1681 किलो जूल पर मोल, हाउएवर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज 1255 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये इसी रेंज में आती है, हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी रेंज में आती है? इन द रेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू पेयर अप 1s इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को 1s1 वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे और क्या बना ले? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं? इट फॉर्म्स सेवरल कंपाउंड्स लाइक CH4। हाइड्रोजन क्या बनाता है? CH4, SiH4, ठीक है, सिलिकन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड एंड मीथेन। CH4 क्या बच्चों? मीथेन। सिमिलर टू दोज ऑफ हैलोजन्स लाइक CCl4, SiCl4, GeCl4। तो देखो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल देखो CH4 एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बच्चों?
4। ऐसे बच्चों एक कार्बन के साथ कितने हेलोजन हैं? 4, Cl4। तो इनका जो आपके पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से रिजाम्बल करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों, हाउ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम अल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, हमने वो वाली प्रॉपर्टीज तो हमने स्टडी कर ली है जिसमें हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ और हेलोजन के साथ रिजेंबल करता है। बट अब हम वो चीज़ें स्टडी करेंगे जिसमें हाइड्रोजन ना तो अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है और ना ही हेलोजन से रिजेंबल करता है। उसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट, इट इज़ कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, अगर बच्चे हम कंपैरिजन करते हैं अल्कली मेटल, देखो ये होता तो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर लाइक अल्कली मेटल्स, बट बच्चों अल्कली मेटल से इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। ठीक है, और बच्चों हेलोजन्स क्या होते हैं? फ्लोरीन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बिहेवियर भी शो करता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकता है। ठीक है, बट बच्चों हेलोजन्स के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेस होती है। तो बच्चों ये डिफरेंस है। एंड देन सेकंड इज इट कंटेन ओनली वन प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। ठीक है, इसे बच्चों सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल्स हैं या फिर हेलोजन्स हैं सभी में क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो इस तरीके से होता है, हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन इज क्वाइट डिफरेंट। बच्चों देखो अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होती है और मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? दैट इज़ बेसिक इन नेचर। और जो आपके पास हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स होती है और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, और बच्चे जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा? वाटर H2O। वो क्या है बच्चों? न्यूट्रल। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जांपल में, H2O इज न्यूट्रल वेयर एज लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड Cl2O7 इज एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों लिथियम सोडियम के ऑक्साइड्स बेसिक क्यों हैं? बिकॉज दे आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड द ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज एसिडिक बिकॉज क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास जो इसकी डिफरेंट होती है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों अभी और प्रॉपर्टीज़ की भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइज ऑफ एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव आयन्स आर मच लेसर कंपेयर टू अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों जैसे आप अल्कली मेटल्स Na पॉजिटिव बना सकते हैं, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, और जैसे हमारे पास हेलोजन Cl नेगेटिव F नेगेटिव बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है H नेगेटिव को फॉर्म करने की। बट जो इसका साइज बनता है ना बच्चों H पॉजिटिव आयन का और H नेगेटिव आयन्स का, वो काफ़ी कम होता है अल्कली मेटल और हेलोजन से। ठीक है, एच पॉजिटिव का साइज बच्चों अल्कली मेटल से बहुत कम होता है और एच नेगेटिव का जो साइज होता है वो हेलोजन से काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो बच्चों व्हाट वुड बी द साइज ऑफ एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव आयन्स? तो क्या होना चाहिए बच्चों? साइज ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज 1.5×10⁻³ पिकोमीटर एंड द साइज ऑफ एच नेगेटिव आयन इज 220 पिकोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास साइज होता है। उसके बाद है बच्चों जो एच पॉजिटिव है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एच पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दस इट इज़ यूनिक इन बिहेवियर। तो बच्चों जो एच पॉजिटिव है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो हमेशा किसी और एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो इसलिए बच्चों हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसका ये यूनिक बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है, ठीक है, अब बच्चों हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डिस्कस। तो बच्चों वो हमारे पास सारी की सारी ये क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी जो हेलोजन और अल्कली मेटल से डिफरेंट थी हाइड्रोजन के केस में। तो फर्स्ट है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, 1 एंड सेकेंड इज 1, 0, थर्ड इज 0.1
एंड फोर्थ इज 2.1। तो बच्चे देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑब्वियसली बी, बी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये हमने बात की कि हाइड्रोजन के हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन कैसे रिजेंबल करती है प्रॉपर्टीज़ में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं। और बच्चों हमने ये भी सीखा आज की क्लास में कि हाइड्रोजन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ना तो अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती हैं और ना ही हैलोजन के साथ रिजेंबल करती हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।